हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक और अगला वीडियो लेकर के आ गए हम ब्रेकडाउन के। तो यहाँ पे आज हम थिंक स्कूल का जो वीडियो है वो ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो इनके लेटेस्ट वीडियो हम देखेंगे, देन इसको जो है ब्रेकडाउन करके बताएंगे कि किस तरीके से आप इनके जैसे जो वीडियोज है वो यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इनका जो चैनल है ये ओपन कर लिया है। इनका जो लेटेस्ट जो वीडियो है यहाँ पे तमिलनाडु वर्सेस मोदी वाला जो वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है इनके जैसे वीडियोस जो आप बना सकते हैं। तो चलिए जो वीडियो को प्ले कर लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग में यदि जैसे कि आप देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जितनी भी न्यूज क्लिप वगैरह है ये आपको यहाँ देखने मिल रही है। साथ में यहाँ पे आपको जो सबटाइटल भी चल रहे हैं यहाँ पे नीचे, आप सबटाइटल अलग से डाल सकते हैं आपकी वीडियोज में। और यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे जो क्लिप्स हैं स्टार्टिंग में इंट्रो में उन्होंने यूज किए हैं। बट यहाँ पे आप यदि एक चीज नोटिस करें तो इन्होंने कोई भी ओवरले वगैरह यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे। यदि आप कंपेयर करेंगे धोबराठी वगैरह से और भी अदर जो यूट्यूब चैनल जो इस टाइप की जो वीडियोस बनाते हैं, केस स्टडी वगैरह, तो वहाँ पे जो है उनके वीडियो जो न्यूज क्लिप हम चलाते हैं वो तो उसके जस्ट ऊपर जो है वो कुछ ओवरले वगैरह यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे ओवरले वगैरह आपको नहीं देखने मिल रही कोई भी, आप में सिंपल जो है आपको यहाँ पे वीडियोस क्लिप देखने मिल रही है और म्यूजिक के साथ में काफी अच्छा उनको कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे वीडियो क्लिप से आपको यहाँ पे न्यूज क्लिप जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रही हैं। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें कि जो बीट है वो आप सिलेक्शन अच्छा करें, म्यूजिक सिलेक्शन जो है अच्छा करें इंट्रो के हिसाब से। और यहाँ पे क्लिप्स वगैरह जो न्यूज क्लिप जैसे इन्होंने यहाँ पे चूज की हुई है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज क्लिप यहाँ पे चल रही है, और थोड़ा सा स्केल किया हुआ है इसको, और अदरवाइज और यहाँ पे कोई भी ओवरले वगैरह यूज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ओवरले देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें भी आपको कुछ ओवरले देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्चर अप्लाई किया गया है टेक्स्ट के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा ईजी होता है टेक्स्चर अप्लाई करना। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप टेक्स्चर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। देखे जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ, इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं कोई भी टेक्स्चर यदि लेकर के आता हूँ, जैसे कि ये देखिए काफी सारे टेक्स्चर यहाँ पे देखने मिल रहे हैं आपको। तो एग्जांपल के लिए हम इसी टेक्स्चर को ओपन कर लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं इम्पोर्ट करूंगा आफ्टर इफेक्ट में, और इस टेक्स्चर को मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी टेक्सचर अप्लाई करना है तो उसको आप इमेज कंपोजिशन में यहाँ पे आपने टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। जो भी आपने टेक्सचर वाली इमेज जो डाउनलोड की है तो उसको आपको सीधे ट्रैकमेट कर देना है, किससे? टेक्स्ट से। तो जैसे आप इसको ट्रैकमेट करेंगे तो ये देखे कि पूरा का पूरा जो टेक्सचर है वो यहाँ पे दिखा रहा है, हमारा टेक्स्ट के जस्ट ऊपर टेक्सचर वाला टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। तो ये बहुत ज्यादा इजी वे है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हैं जो वीडियो क्लिप है ये यहाँ पे यूज की गई है। अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो एक ग्राफ एनिमेशन देखने मिल रहा है, इस टाइप से ग्राफ एनिमेशन काफी इजी तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप से पहले तो आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइंस वगैरह ये सब ड्रॉ करके बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो आप वो बैकग्राउंड यदि आप अलग से क्रिएट कर लेते हैं फोटोशॉप वगैरह में तो ईजी रहेगा आपके लिए। यदि आप यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में सारी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली आपको यहाँ पे एक लाइन जैसे ड्रॉ करनी है। केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में आप जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वैसा करिएगा। ये मैं आपको केवल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन ले ली है, इसका मैं स्ट्रोक 5 ले लेता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर कर देता हूँ। और इसका क्या करना है आपको, डुप्लीकेट क्रिएट कर देनी है। देन यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो लाइन है तो इसका जो स्ट्रोक है वो कम कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और इसमें जो है रिपीटर ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए ऐड में जाकर के यहाँ पे आपको रिपीटर में क्लिक कर देना। जैसे आप रिपीटर में क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपको कॉपीज देखने मिल जाएंगी। तो इसकी जो कॉपीज है वो आप बढ़ा दीजिए, तो जितने भी आप बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी बड़ा आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं। देन सेम तरीके से आपको करना है नीचे वाली लाइन पे, तो नीचे भी एक लाइन क्रिएट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ तक। तो ये देखिए नीचे एक लाइन हमने क्रिएट कर दी और इसके जो हम स्ट्रोक है इसको 5 रखेंगे और सेम चीज करेंगे कि इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे और इसमें रिपीटर ऐड कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ऐड बटन पे रिपीटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आगे जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना, हमको रिपीटर में आना है और इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे हम और यहाँ पे जो 100 है पोजीशन इसको 0 कर देंगे और जो वाई पोजीशन है तो इसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको हम जैसे बढ़ाते हैं तो ये नीचे के साइड में जा रहा है, तो इसको हम जस्ट अपोजिट साइड में बढ़ाएंगे। डिस्टेंस देख लेंगे कितना हमको रखना है, देन यहाँ कॉपीज हम इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 10 कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो स्ट्रोक है वो आपको कम कर देना है, तो हम यहाँ पे जाकर के इसका स्ट्रोक कर देंगे 2। अब देखिए हमारा पास जो ये बैकग्राउंड है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आप इस लेयर को जो है लॉक कर दीजिए ताकि आपकी जो लेयर्स हैं ये मूव ना हो। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब जो ग्राफ, जैसे कि इसमें आप ग्राफ देख रहे हैं कि जो ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से आपको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप
क्या कर सकते हैं कि सिंपल आपको क्या करना है कि एक शेप ड्रॉ करना है जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये बना दिया, अब इसी तरीके से इसको जो है आप कलर चेंज करके आप इसका जो भी कलर आप रखना चाहते हैं और इसको चेंज करके आप इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा दीजिए इस तरीके से। और इसका जो एंकर पॉइंट है ये आपको यहाँ पे रखना है नीचे कॉर्नर पे, तो इस एंकर पॉइंट को आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे रख दीजिए। और इसी तरीके से डुप्लीकेट करके इसको आप दूसरी नई शेप बना सकते हैं ना। तो आप इसको आप प्रॉपर आपके हिसाब से अलाइन करिएगा जितना भी आप डिस्टेंस वगैरह प्रॉपर मेंटेन रखना चाहते हैं। देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो साइज वगैरह है कितना डिस्टेंस आप दिखाना चाहते हैं मैप में, तो इसको आप आपके हिसाब से बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इतना बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मैंने इतना बढ़ा दिया है। तो अब ये अब डिपेंड करता है कि आपके ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ाएंगे। कलर वगैरह यहाँ पे चेंज करना है आप, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका कलर वगैरह। इसी तरीके से इसका कलर चेंज करने के लिए स्ट्रोक में जाकर के इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। और जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो नंबर्स वगैरह है, वैल्यू वगैरह है, और ये आइकन है, तो आइकन भी आप इजी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक एलिप्स टूल लिया, एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और स्ट्रोक इसका हम कम कर लेंगे। और यहाँ पे इस सर्कल में क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा सा और स्केल कर लीजिए। जैसे साइज इसका एंकर पॉइंट पहले तो सेंटर रख लीजिए इसका, देन इसके बाद में जो साइज है ये बढ़ा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने टेक्सचर अप्लाई किया था सेम उसी तरीके से आप जो है फ्लैग वगैरह इंडियन फ्लैग या फिर जिस भी कंट्री का आप फ्लैग दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सेम टेक्सचर के जैसे आपको यहाँ पे ट्रैक मैट कर देना है, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है हमारा जो इमेज आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इजी है, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह आप लिख लेंगे, जैसे कि जो ईयर वगैरह जो भी आपको लिखना है, जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं ऊपर, यहाँ पे जो भी टाइटल है आपका तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं स्पेशली एक ग्राफ के ऊपर जो है एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, तो नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए यदि आप स्पेशली किसी ग्राफ वगैरह के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ में पूरा जो है एक वीडियो सेपरेट ग्राफ के ऊपर ले आऊंगा कि किस तरीके से जो हम एक अच्छे से अच्छा ग्राफ एनिमेशन वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये इमेजेस हैं, तो इमेजेस में यहाँ पे स्केल हो रहा है थोड़ा, तो आप प्रीमियर प्रो में काफी इजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी इमेज को स्केल की की लगा करके यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, और किसी भी लेयर को ध्यान में रखें, कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। देन आपको क्या करना है कि जिस भी जगह पे आप बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। देन इसके बाद में फिल की जो उसकी वैल्यू है इसको ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पे स्ट्रोक में इसको ऑन कर दीजिए आप, और स्ट्रोक ऑन कर दीजिए जितना भी आप इसकी विड्थ लेना चाहते हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। देन इसके बाद में इस शेप में आपको क्या करना है कि इस शेप में आपको ऐड करना है ट्रिम पाथ। तो जैसे ही आप ट्रिम पाथ ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिम पाथ की एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे जो स्टार्ट और एंड बटन दिखाई दे रहा है इसके थ्रू हम जो है एनिमेशन ये क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एंड बटन पे यहाँ पे की लगा देते हैं पहले फ्रेम पे जहाँ पे भी आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। देन इसके बाद में इसको जीरो कर देंगे इसकी वैल्यू, और इसके बाद में आएंगे टू फ्रेम पे आते हैं, टू सेकंड पे आ रहे हैं, देन इसका जो है 100% कर देंगे हम वैल्यू, और यहाँ पे आएंगे 1 सेकंड पे। अब बीच में 1 सेकंड पे आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे की लगा देंगे आगे 3 सेकंड पे आकर के, और यहाँ पे हम जो है इसको फुल कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो एनिमेशन है इस टाइप से क्रिएट हो चुका है। अब जो है कि यहाँ पे हमारा जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर एंड भी होने लग रहा है, बट यहाँ पे यदि आप देखेंगे पहले पूरा कंप्लीट हो रहा था। तो पहले आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है, देन इसके बाद में जो है ये एंड हो रहा है। तो वो करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो ये हमने स्टार्ट वाला जो की लगाई है इसको लास्ट पॉइंट पे आपको रख देना है, थोड़ा सा आगे आप रख देंगे तो इसके बाद में जो एनिमेशन सेम तरीके से होने लग जाएगा। जैसे देखिए मैं की को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा पास में कर दिया ताकि फास्ट एनिमेशन हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है ये पहले बॉक्स क्रिएट हो गया, देन इसके बाद में जैसे कंप्लीट होने के बाद में पूरा ये खत्म हो रहा है। तो इसको आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इस पॉइंट से हो रहा है, तो आप इसको ऑफसेट को यहाँ पे चेंज करके इसका जो पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये इस पॉइंट से होगा, ये देखिए इस पॉइंट से होने लग गया आप, तो ये ऑफसेट को यहाँ पे बढ़ा करके आप इसका जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, किसी भी एंगल से आप यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप का आपको काफी ज्यादा इजी है बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आइकन्स वगैरह आप दिखाना चाहते हैं तो उन इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिए, और एक शेप में आप यहाँ पे इसको इनको कट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी सर्कल में यहाँ पे हैं, तो एक जैसे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे देखने में, तो आप इनको एक जैसा शेप में कट कर लीजिए। तो फोटोशॉप की हेल्प से आप कर सकते हैं या फिर आप इसको आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इजी है, मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है कि आपको यहाँ पे प्रीमियर में यदि बात करें या फिर आफ्टर इफेक्ट में बात करें, मिस्टर हाउस का जो प्लगइन है फ्रेंड्स एनिमेशन कंपोजर आफ्टर इफेक्ट में होता है, और यहाँ पे प्रीमियर में प्रीमियर कंपोजर होता है। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए इफेक्ट वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इंपोर्ट किया है, तो ये देखिए इसका जो एनिमेशन है ऑलरेडी आपको इस टाइप से एनिमेशन देखने मिल रहा है। तो जैसे वहां पे आपने देखा ना जो टेक्स्ट का एनिमेशन हो रहा है, तो इस टाइप से हो रहा है। और सेम आपको जो लाइन इफेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो आप देखेंगे ये जो लाइन वाला इफेक्ट है, तो ये भी आप काफी इजी तरीके से इसमें क्रिएट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट देखने मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो लाइन का इफेक्ट है ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको एनिमेशन आपका यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस टाइप से। बस आपको एडजस्टमेंट इसकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर लेनी, कहीं कहाँ पे
आपको करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सेम चीज आपको आफ्टर इफेक्ट में भी देखने मिल जाती है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जाएंगे विंडो में, तो आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो एनिमेशन कंपोजर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको जो है देख सकते हैं। तो ये देखिए स्टार्टर पैक में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो ये यहाँ से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। और बाकी इमेजेस वगैरह आपको यहाँ पे लगा देना है। और यहाँ पे यदि देखेंगे आप जो और ये जो सर्कल हो रहा है तो सेम ट्रिम पाथ का यूज करके इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको रेक्टेंगल का, उसी तरीके से आप यहाँ पे इलिप्स टूल की हेल्प से एक सर्कल बनाएंगे और इसमें ट्रिम पाथ ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैं ट्रिम पाथ की जो वैल्यू है इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे ये देखिए मैंने ट्रिम पाथ की जो वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, तो ये देखिए सर्कल में भी सेम उसी तरीके का जो एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम वैसे ट्रिम पाथ ऐड करके आपको वैसे जो की है वो आपको लगानी है। तो सेम तरीके से आप जो है यहाँ पे सर्कल में भी एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे भी वही चीज यूज की गई है और ये आप जो देख रहे हैं टेक्स्ट का ये स्टाइल है, तो ये सेम चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए आपको जो टेक्स्ट वाले बॉक्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये आपको सेम बॉक्स जो देखने मिल जाएगा। तो ये इफेक्ट सेम आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो अब इस तरीके से आप जो है इसका एनिमेशन भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आप काफी इजी तरीके से इसका यूज करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इन्होंने भी इसी प्लगइन का यूज करके ये बनाया हुआ है, तो आप भी इसका यूज करके इजी तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीज वही आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है दोबारा से। तो आप इसका भी एनिमेशन सेम तरीके से यहाँ पे होगा जैसे अभी हमने पहले देखा है, ऑलमोस्ट सेम ही। आगे भी आप देख रहे हैं तो सेम एनिमेशन यूज किया गया है, बस जो इमेजेस वगैरह वो चेंज हो गई, हमारे टेक्स्ट चेंज हो गए हैं, बट एनिमेशन ऑलमोस्ट सेम ही आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे जो ग्राफ एक आ चुका है, तो ग्राफ के लिए वैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी कि किस तरीके से जो आप ग्राफ का एनिमेशन कर सकते हैं, तो आपको सेम टेक्निक जो है यूज करनी है यहाँ पे। और ये लाइंस वगैरह हैं, तो आप जो देख रहे हैं तो ट्रिम पाथ से यहाँ पे आ रही है। तो पेन टूल के हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जितना जो भी साइज आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, देन उसमें ट्रिम पाथ का यूज करेंगे आप, तो आप उसको ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इमेज दिखाई गई है, तो मार्कर इफेक्ट भी आपको काफी इजी मैंने बताई दिया है आपको ऑलरेडी कि मार्कर इफेक्ट कैसे आप लगा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि यदि आप सीरियसली सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, तो सारे वीडियोस देखें, ध्यान से देखें, आप स्किप करके मत देखें, क्योंकि कुछ टेक्निक होती है जिनको आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो आपसे वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियोस को देखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स इनके ओवरऑल वीडियोस में स्टॉक फुटेज वगैरह यूज किया गया है और कुछ ग्राफ एनिमेशन बताए गए हैं और कुछ मोशन ग्राफिक्स भी आपने देखा थोड़ा बहुत जो है आइकन्स वगैरह का यूज करके, थोड़ा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कुछ मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो काफी ज्यादा ईजी है, आप इनके ऐसे जो वीडियोज है यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा ईजी है बनाना। तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन जो डाउनलोड करना है जो मैंने आपको बता दिया, तो उस प्लगइन को यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके हेल्प से बहुत ज्यादा ईजी आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप और भी किसी यूट्यूबर के एडिटिंग ब्रेकडाउन वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, हम जल्दी उसके ऊपर जो वीडियो लेकर के आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप चैनल पे नए हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।